अरे फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति सिंह। माया किचन में आपको स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ वेजिटेबल स्टू बना के दिखाने। ये आपके घर में जो भी हरा सब्जी उसी से आप बना सकते हो। स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं और बच्चे बड़े बहुत पसंद से खाते हैं। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर। मिक्स वेजिटेबल स्टू के लिए चाहिए आपको 100 ग्राम कॉर्न, जिसको मैं हल्का से उबाल के रखी हूँ, 100 ग्राम मटर। मटर आप फ्रोजन वाले मटर लेना तो उबालने का ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे फ्रोजन वाले मटर ली हूँ। और आपको थोड़ी बड़े बड़े पीसेस में हरी सब्जियाँ ली है, जिसमें एक ऑनियन, जिसके देख सकते हो वैसे मोटे से कटिंग करके रखी हूँ, एक गाजर, एक कैप्सिकम, एक टमेटो, एक आलू और कुछ 4-5 बीन्स, जिसको मैं लंबी थोड़ी सी पीसेस करके रखी हूँ। और मैंने ली हूँ जरा सा हल्का सा उसमें खुशबू आने के लिए एक टुकड़ा दालचीनी, जिसके मैं छोटे छोटे पीसेस करके रखी हूँ, और 4 लौंग, 2 इलायची जिसको मैं तोड़ के रखी हूँ, एक टुकड़ा अदरक जिसको मैं चूड़ के रखी हूँ, 4 हरी मिर्च जिसको कटिंग करके रखी हूँ, 1 टेबल स्पून देसी घी, 1 टेबल स्पून नमक, नमक स्वाद अनुसार, 1 टी स्पून काली मिर्च और 1 टी स्पून जीरा। जीरे को मैंने क्या किया, हल्का सा शैलो फ्राई करके मैं इसके पाउडर बना के ली हूँ, इसके खुशबू आएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और चाहिए आपको पानी। अब मैं गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिए। अब इसमें मैंने घी डाली हूँ। घी आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, मैं इसमें डाली हूँ जो हल्का सा स्वाद भी लगेंगे। अब इसमें मैंने लौंग, दालचीनी, इलायची जो लिए थे वो डाल दिए। इसमें क्या होगा, हल्का से इसकी खुशबू भी आएंगे। इसमें मैंने अदरक जो चुड़ी हुई थी वो डाल दिए, हरी मिर्च डाल दिए। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बनाने में भी कोई आपको इतनी मेहनत नहीं है, फटाफट बन जाते हैं। जब तक आप घर पे दूसरी काम करोगे तब तक आपके रेसिपी बन जाते हैं। इसको 20 मिनट आपको टाइम लगते हैं टोटल मिला के। आप इसमें मैंने मोटे मोटे जो स्लाइसेस करके पीस ऑनियन के पीसेस रखे वो डाल दिए। अब मैं इसमें गाजर, आलू, ये सारे सब्जियों की मैं डाल दी, क्योंकि इसको ना पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसमें मैं बीन्स भी डाल देंगे। इसमें डाल देंगे मटर और कॉर्न, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। वेजिटेबल स्टू बहुत ही आसानी में स्वादिष्ट है, बहुत हेल्दी भी है। अब मैं इसमें क्या करेंगे, नमक डाल देंगे। इसको फ्राई नहीं करने हैं। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी आपको मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी डाल दिए। अब इसको 10 मिनट में उबालने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, मेरे वेजिटेबल सब हल्का हल्का पक गया है। अब मैं इसमें क्या करना है, गाजर या टमाटर के पीसेस डाल देंगे और जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर ये डाल देंगे। जीरा भूनने से क्या होता है, उसको हल्का सा ना सुंदर सुंदर स्वादिष्ट टेस्ट आते हैं। अब इसको मैंने 15 मिनट और ढक देंगे।
20 से 25 मिनट आपको फाइनल पकने में लगते हैं वेजिटेबल। जब तक मेरे ये पक रहा है तब तक मैंने क्या करना है, जो कॉर्नफ्लावर लिए थे उसको घोड़ लेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, सब्जी मेरा एकदम बिल्कुल पक के तैयार हो गया। अब देखिए आलू मेरा कितनी आसानी से मैश हो गया। अब थोड़ी सी थिकनेस के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर जो एक चम्मच लिए थे उसको डाल देंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छे से मिक्स वेजिटेबल स्ट्रू बन के तैयार हो गया और ये बनाने में भी कितनी आसान है। मैं जा रही हूँ इसको अब सर्व करने। मिक्स वेजिटेबल स्टू बन के तैयार हो गया। आपके घर में जितनी सारी वेजिटेबल्स है उसी से आप बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाते हैं। 20 मिनट 25 मिनट वो अपने हिसाब से आप सब्जियों को पका लेना। मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, माया किचन को सब्सक्राइब करने भूलना मत।